सो गुड इवनिंग एवरीवन। अब आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी बात हुई वो सिर्फ मार्किंग सिस्टम को लेकर के बात हुई है कि किस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। रादर एग्जैक्ट नंबरिंग भी कोई नहीं बताता है कि कितने मार्क्स कौन से ग्रेड के अंदर मिलते हैं, और उस ग्रेड का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि रिमार्क क्या होता है, क्या इम्प्रेशन आप देते हैं उस ग्रेड में रहने के बाद। तो आज आपको मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि हर ग्रेड में कितने मार्क्स रखे जाते हैं और उनके रिमार्क्स क्या होते हैं, व्हाट इट मींस फॉर। अब ये तो सबको पता है, देखो भाई, कि जो भी आपका सेलेक्शन स्केल है उसको 10 भागों में बांटा जाता है। 225 मार्क्स होते हैं जिससे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 225 असेसर के पास है नंबर, हर असेसर के पास 300 नंबर होते हैं, लेकिन ये आपको देते हैं 225 में से। अब ये जो 75 नंबर का जो गैप है, ये 75 नंबर अलग से रोक लिए गए हैं, इनको बहुत सारे लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस पॉइंट्स हैं, और ये अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इन्हीं को कहा जाता है ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स। ये ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स क्या होते हैं? ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स होते हैं स्कोप ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल इन एनी इंडिविजुअल, कि किसी एक यंगस्टर के अंदर अभी कितना ट्रेनिंग के बाद बदलाव लाने की क्षमता है, उसको कहा जाता है ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स। तो 75 नंबर एक असेसर के जब रोके गए और तीन असेसर्स हैं, तो फिर से ये हो जाते हैं 225, और ये आपके टोटल ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स होते हैं, जिनको किस आधार पर दिया जाता है। ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स के लिए सबसे पहला आधार तो होता है आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस। ये पहले से एक डिज़ाइन चार्ट है जो सिलेक्शन बोर्ड को DIPR देता है। ये DIPR के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस, आपका IQ लेवल क्या है, OIR, आपका एज, एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को दिमाग में रख करके फिर ये आपके ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स तय किए जाते हैं। तो वो तो रहे, वो 75 नंबर हटा दिए गए, अब रह गए असेसर के पास आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस पर मार्क्स देने के लिए। तो प्रेजेंट परफॉर्मेंस में आपको नंबर मिलेंगे 225 में से, जिनको 10 ग्रेड्स में बांटा जाता है, और 10 बीइंग द पुअरेस्ट वन, 1 बीइंग द बेस्ट वन। एक अगर ग्रेड 1 किसी का है तो वो सबसे बेहतर माना जाएगा, और ग्रेड 10 है तो वो बहुत ही ख़राब, यानी कि उस तरफ जितना आप जाते जाएंगे, जितना आपकी ग्रेडिंग नीचे जाती जाएगी उतना आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। अब देखो, यहाँ से पहला ग्रेड तो जो है दैट इज ग्रेड 10, जो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल, और यहाँ से जो नंबर आपको मिले हैं वो 1 से 22। आउट ऑफ 225 अगर कोई कैंडिडेट इतना ख़राब परफॉर्म कर दे कि 1 से 22 के बीच में उसको नंबर मिल रहा है, तो वो ग्रेड 10 में रखा जाएगा और उसको रिमार्क मिला है पुअर परफॉर्मेंस। ग्रेड 9 225 में से 23 से लेकर के 44 के बीच में अगर आपको नंबर मिल रहा है तो वो है आपके लिए ग्रेड 9, और इसको रिमार्क जो दिया जाता है दैट इज वाइडली बिलो एवरेज। ग्रेड 8 में अगर आप हैं तो आपको 225 में से नंबर मिल रहे हैं 45 से लेकर के 66 के बीच में, और इसके लिए जो रिमार्क है वो है बिलो एवरेज। ग्रेड 7, अब देखो यहां से एक चीज समझ लीजिए कि ग्रेड 8, 9 और 10 अगर इसमें आपको मार्क्स दे रहे हैं कोई भी असेसर, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से अनफिट हैं। अभी ये क्लियर नॉट रिकमेंडेड केसेस हैं,
इसमें आपको कोई भी असेसर कॉन्फिडेंटली ये कहना चाह रहा है सिलेक्शन बोर्ड से कि अभी ये कैंडिडेट किसी भी कीमत पर फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए तैयार नहीं है। जो पोटेंशियल हम ढूंढना चाह रहे थे, जो देखना चाह रहे थे, वो पोटेंशियल इनके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको कॉन्फ्रेंस आउट या नॉट रिकमेंडेड बाय दैट असेसर, ये क्लियर तय हो चुका है। नाउ इट कम्स ग्रेड सेवन। ग्रेड सेवन कम्स विद 67 to 89। 67 से 89 मार्क्स के बीच में पाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ग्रेड सेवन में रखा जाता है विद अ रिमार्क जस्ट बिलो एवरेज। अब ये जस्ट बिलो एवरेज क्या है कि मार्जिन से थोड़ा ही नीचे है, ये अभी बिल्कुल फिट नहीं है, मगर ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल अनफिट हो गया है। इज जस्ट बिलो एवरेज, फॉर दैट इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डाउटफुल केस इन कॉन्फ्रेंस। तो ये जो केसेस होते हैं ये डाउटफुल होते हैं। अगर कोई असेसर इसके बीच में आपको मार्क्स दे रहे हैं तो वो ये कहना चाहते हैं कि अभी बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता है कि इज़ वेरी वेल फिट फॉर गेटिंग इन टू आर्म फोर्सेज, बट अगेन ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसको बाहर ही भेज दिया जाए, अभी थोड़ा सा डाउटफुल है ये केस। इसको कॉन्फ्रेंस में और डिस्कस करके फाइनल नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद ग्रेड सिक्स जो आता है दैट इज लेवल एवरेज, और ग्रेड सिक्स वो होता है जिसको हम रिकमेंडेड कहते हैं। अब इसके आगे वाले सारे रिकमेंडेड हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर गेटिंग रिकमेंडेड बाय एनी असेसर इज 90 इन सिलेक्शन बोर्ड। 90 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं 225 में से तो आप कॉन्फिडेंटली वो असेसर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं आर्म फोर्सेस के लिए, आपको रिकमेंड किया जाना चाहिए। अब देखो 90 225 में से 90 लाना मतलब कितना परसेंट हो गया, 40%। 40% नंबर लाने पे आपको ग्रेड वन जॉब मिल रही है, आप कमीशन्ड ऑफिसर हैं फौज के अंदर, और आप जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं एसएसबी के लिए, अगर वो अपने जीवन में कभी 40% एकेडमिक रिकॉर्ड्स में लाए होते तो शायद उनको बहुत डांट पड़ती, घर वाले घर में घुसने नहीं देते 40% नंबर लाने के बाद। ये तो तय बात है, वहाँ तो आपके पास 80% 90% 95% नंबर आ रहे थे, और यहाँ पर जिस 40% पे आपको दुनिया कुछ नहीं दे सकती थी, उस 40% पर आर्म फोर्सेस आपको रिकमेंड कर देती है कि आप फौज में आने के लिए बिल्कुल फिट है। बस हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो इतना दब चुका है किताबों के डर में, एंग्जाइटी जो जॉब की है, डर जो आपने मन में बिठा रखा है, या कभी कभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी आ जाते हैं, दूसरों के जवाब, दूसरों की बातें आपको इतना भ्रमित कर जाती हैं कि आपका व्यक्तित्व के अनुसार, देखो सब्जेक्ट में 80%, व्यक्तित्व में 40% भी नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। अगर आप 40% फिट हैं तो फौज के लिए बिल्कुल फिट है। 90 मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, और ग्रेड सिक्स में रखा जाता है 90 से लेकर के 111 मार्क्स तक। रिमार्क क्या मिला, लेवल एवरेज। ग्रेड फाइव ये है आपका हाई एवरेज, और इनको नंबर दिए गए 112 से लेकर के 134 नंबर के बीच में, इन बिटवीन 112 to 134 विद ग्रेड फाइव एंड रिमार्क इज गिवन हाई एवरेज। ग्रेड फोर 135 to 156, यहां पर आपको रिमार्क मिल रहा है जस्ट अबव एवरेज, एवरेज से थोड़ा ऊपर है मगर थोड़ा। 157 से 179 ग्रेड थ्री के लिए,
और यहाँ पर आपको रिमार्क मिलता है अबव एवरेज, ये हैं अबव एवरेज कैंडिडेट 180 से लेकर के 201 ग्रेड टू विद अ रिमार्क वाइडली अबव एवरेज। जैसे ग्रेड 9 देखो वाइडली बिलो एवरेज, वैसे ही ग्रेड 2 वाइडली अबव एवरेज, और ग्रेड 10 पुअर बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस है, ग्रेड 1 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ग्रेड 1 में 202 से लेकर के 225 तक मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब और एक मजे की बात यह है कि आपको ये जो स्केल है इसमें ज़्यादातर ये जो ग्रेड 4 तक है, मतलब ग्रेड 1, 2, 3, 4, इसमें नंबर मिलते नहीं हैं आपको। ये लिखने की स्केल है, इतना व्यक्तित्व तो किसी का दिखता नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आईक्यू लेवल किसी का पूछा जाए तो लोग कहते हैं 6-7 किसी का आईक्यू लेवल नहीं होता है। आईक्यू लेवल अगर किसी का 3 से 4 है तो वो बहुत बेहतर माना जाता है। 6-7 वाला तो हाइपोथेटिक बात हो गई, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा 3 से 4 जो है, बहुत बेहतर जो आईक्यू लेवल है वो 3 से 4 के बीच में रेट किया जाता है, ठीक। तो ये जो है ये आउटस्टैंडिंग तरीके से कुछ बहुत ही ऊपर चले गए। और यहाँ पर होता क्या है, अगर आपका कोई असेसर, हालांकि 134 भी ज़्यादा है, 120-122 इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं आपको एसएसबी के अंदर, यदि कोई असेसर देना भी चाहता है तो उसको फिर एक ब्रीफ नोट लिख करके देना पड़ता है कॉन्फ्रेंस में, लिखित रूप से देना पड़ जाता है कि इतना आउटस्टैंडिंग या इतना बेहतर क्या देख लिया उस कैंडिडेट के अंदर। ये सबको पता है कि जब आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपका जो फोल्डर है जिसमें आपने जितना लिखित काम किया होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, आपका PIQ फॉर्म, आपकी OIR शीट, आपके PPDT शीट, साइकोलॉजिकल डोजियर, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की शीट और तीनों असेसर्स के असेसमेंट्स, ये पूरा एक फोल्डर बना करके और फिर इसको भेज दिया जाता है रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट। ये फोल्डर आपका थ्रू आउट योर सर्विस टेन्योर, जब तक आप सर्विस करेंगे आगे आर्म फोर्सेज में, तब तक ये डोजियर जो है या ये फोल्डर जो है ये संभाल के रखा जाएगा और इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है जब आपकी सर्विस बुक बनने लग जाती है रिटायरमेंट के आसपास, तब फिर सर्विस बुक बनाने के साथ साथ इसको वहाँ से हटाया जाता है। तो ये एक एविडेंस होता है, कहीं आप आगे चल कर के क्वेश्चनेबल हुए तो सबसे पहले वो फोल्डर खुलने वाला है कि भाई फिर ये यहाँ तक पहुँचे कैसे। अब इसमें क्या है कि अगर वो ब्रीफ नोट भी लिखा हुआ है और कैंडिडेट क्वेश्चनेबल है तो इसका मतलब फिर वो भी क्वेश्चनेबल हैं जिन्होंने ये असेसमेंट किया था। ऐसा होता नहीं है, इसलिए आउटस्टैंडिंग ये वंस इन अ ब्लू मून टाइप बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई असेसर किसी से इतना इम्प्रेस हो जाता है या इतना अच्छा काम वो कर देता है कि उसके लिए वो ब्रीफ नोट भी लिखने के लिए तैयार हैं, बट इट हैपेंस ओनली वंस इन अ ब्लू मून। अभी यहाँ पर क्या है, एवरेज आपको ग्रेड 5 तक मिलता है, तो 90 पे आप पास हो रहे हैं मिनिमम रिक्वायर्ड, और जो 120-122 के ऊपर आपको कोई देता नहीं है, ठीक। जब ये नंबर सारे के सारे कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं सभी असेसर्स के, तब क्या होगा, आपके तीनों असेसर्स के जब मार्क्स जोड़े जाएंगे, अभी हम क्या है ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स को नहीं जोड़ रहे हैं इसके अंदर, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस की। तो प्रेजेंट परफॉर्मेंस मतलब एक असेसर के पास 225 नंबर, तो तीन असेसर के पास हो गए 675 नंबर। अब ये 675 नंबर में से मान लीजिए कोई कैंडिडेट 240 नहीं टच कर पाया, 240 टच नहीं होते हैं तीनों के नंबर जोड़ने के बाद, तो उस कैंडिडेट को क्लियर
कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया जाएगा। इस पे बोर्ड को कोई डाउट नहीं है कि इनको बाहर भेजने में संकोच नहीं होगा। आप सिलेक्शन बोर्ड को रिक्वायर्ड पोटेंशियल है नहीं इनके अंदर। अगर यही कैंडिडेट तीनों के नंबर जोड़ करके 270 के ऊपर चले जाते हैं, 270 को टच कर लेते हैं, तो इनको रिकमेंड करने में कोई डाउट नहीं है। सिलेक्शन बोर्ड को वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फिट हैं, इन पे भी कोई डाउट नहीं है। डाउट किन के ऊपर हुआ? डाउटफुल केसेस वो आए जो इसके बीच की गैप में खड़े हो गए, 240 टच कर गए थे मगर 270 नहीं टच कर पाए, 255 260 में आकर के अटक गए। तो ये वो केसेस होंगे जहां पर आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी कैंडिडेट को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट कभी कभी 15-20 मिनट भी लग जाता है वेट कर रहे हैं। तो ये जो अंदर डिस्कशन है ये इसी बात का डिस्कशन है कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पहले इनको 270 हम अपने आप से ही टच करा ले। डिस्कशन मतलब प्रेसिडेंट ऑफ योर बोर्ड विल इनवाइट अदर असेसर्स टू कम अप फॉर डिस्कशन, और इस डिस्कशन के दौरान बाकी असेसर्स कोई बात नहीं करते हैं, आपके तीनों असेसर्स विद योर प्रेसिडेंट ये आपस में बात करके तय करना चाहेंगे कि क्या इसको हम आगे थ्रू कर सकते हैं या अभी भी डाउटफुल है। तो ये समस्या इनके लिए आई, राइट? रिक्वायरमेंट बहुत कम है, अब आप देख लो फासला बहुत छोटा सा है। ये 30 नंबर का जो फासला होता है ये आपको इधर से इधर कर देता है, इधर से इधर कर देता है। तो मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है आपसे कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू अ प्रैक्टिस ऑफ मगिंग अप टेक्निक्स अबाउट एसएसबी, इट इज फार बेटर टू चेंज योर बिहेवियर। ये आपके ज्यादा काम आएगा। आई बिलीव आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो बिहेवियर को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना शुरू करिए, चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।